हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड क्लासरूम यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म गुलाबो सिताबो के ओवरऑल इनकम के बारे में, पर इससे पहले फिल्म की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये फिल्म गुलाबो सिताबो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे निर्देश दिया है सुजीत सरकार ने और इस फिल्म के निर्माता है रॉनी लहरी और शील कुमार, जिसके लेखक है जूही चतुर्वेदी। राइजिंग सन फिल्म्स और किनो वर्क्स के प्रोडक्शन में बने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमेजॉन प्राइम वीडियो ने। जी हाँ दोस्तों, अमेजॉन प्राइम ने इस फिल्म के डिजिटल को खरीद लिए है। फिल्म के मुख्य किरदार मिर्जा शेख और बांके रस्तुगे के किरदार में हम देखेंगे अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना को, जहां पे अन्य मुख्य किरदार पर रहेंगे विजय राज, ब्रिजेंद्र काला, फारूक जाफर, सृष्टि श्रीवास्तवा और नलिनीश नील। दोस्तों, आज ही के दिन ये फिल्म रिलीज हुआ है और आयुष्मान खुराना के एक्टिंग और अमिताभ बच्चन के किरदार को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्रिटिक्स के द्वारा भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग मिल रहा है और इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन सर की जोड़ी बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए चले फिल्म के कलेक्शन की ओर, पर उससे पहले कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप बॉलीवुड की कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। एक्चुअली में दोस्तों, इस फिल्म को थिएटर में रिलीज होना था, पर कोरोना वायरस के कारण फिल्म के प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म को OTT में रिलीज करने का फैसला किया और 12 जून यानी कि आज ही के दिन इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बजट है 35 करोड़ और OTT में रिलीज के कारण इस फिल्म का एडवर्टाइजिंग बजट कम्प्लीटली जीरो है। दोस्तों, अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स करीब 70 करोड़ में खरीदा है और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को सेल करके इस फिल्म को टोटल इनकम हुआ 20 करोड़ के आसपास, जहां जी कंपनी ने इस मूवी के म्यूजिक राइट्स को करीब 7 करोड़ में खरीदा। तो टोटल में दोस्तों, इस फिल्म का टोटल इनकम हुआ 100 करोड़ के आसपास। और ये फिल्म इतना जबरदस्त है कि अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होता तो ये फिल्म इससे भी और कई ज्यादा इनकम कर सकता था, पर एक्चुअली में घुमा फिरा के बात वही है, अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होता तो इसके एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता। तो इसीलिए क्रिटिक्स का मानना है कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से इस फिल्म का OTT में रिलीज होना बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि क्या आपने इस फिल्म को देख लिया है और अगर देख लिया है तो कैसा लगा आपको ये फिल्म। और दोस्तों, फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।